हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा मटेरियल है जो हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, ये पूरा मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी GK की भी PDFs आपको मिल जाएंगी। तो इस कोर्स को परचेस करने से रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 10 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। HDFC बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स के साथ एक MOU साइन किया है, किस लिए? टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्क प्लस के साथ कोलेबरेट किया है, किस लिए? फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए। जैंग मिंग, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप SCO के नाम से जानते हैं, इसके नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, अगर हम बिग स्टेट्स की बात करें, बड़े राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर लिमिट है ये इलेक्शन कमीशन ने 95 लाख कर दी है और स्मॉलर स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपए कर दी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसने पिछले साल 2021 में 126 टाइगर डेथ्स रिकॉर्ड की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के सेकंड फेज के लिए TCS को सिलेक्ट किया है। अगर हम NSO की बात करें तो इसने कहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है ये करंट फाइनेंशियल ईयर यानी फिस्कल ईयर जो आपका 22 है इसमें 9.2% से ग्रो करेगी। अगर हम इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की बात करें तो इसने कहा है कि भारत की जो GDP है फिस्कल ईयर 22 के लिए 9.3% रहने वाली है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट सिल्वर ETF लॉन्च किया है जो कि फिजिकल सिल्वर एंड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। टेक महिंद्रा ने गूगल क्लाउड प्रोग्राम में डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन अचीव कर ली है। इंडिया जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हो रही है आपकी गुआम में। अगर हम बात करें बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स तो इसमें उत्तर प्रदेश पहली पोजिशन पर है। धीरेन्द्र के झा, इन्होंने पुस्तक लिखी है गांधीज एसेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। मोहम्मद खान, ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स के लिए दो अलग अलग इवेंट्स में क्वालिफाई किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। आप सभी जानते हैं उर्जित पटेल का नाम सभी ने सुना है, फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैं और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जिसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है, तो इसके वाइस प्रेसिडेंट ये बनाए गए हैं। आपको बता दें इंडिया जो है AIIB इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है और चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर भारत के इस बैंक में है और इस बैंक के जो हेड हैं वो हैं जिन लिकुन। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस बैंक में 5 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से एक उर्जित पटेल भी होंगे और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए रहने वाला है। आपको बता दें ये फिलहाल जो एक वाइस प्रेसिडेंट और हैं यहाँ से, इनका नाम है DJ पांडियन, इनको रिप्लेस करेंगे, इनको सक्सीड करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए AIIB ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और जनवरी 2016 में इसने अपना
कार्य करना शुरू किया था और 105 इसके मेंबर्स हैं। आपको बता दें साल 2018 में इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन दोनों के द्वारा परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। रोहन बोपन्ना रामकुमार रामनाथन प्ले टेनिस। देखिए क्यों ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि देखिए इन दोनों की जोड़ी ने, भारत के दोनों रोहन बोपन्ना एंड रामकुमार रामनाथन, इन दोनों ने ही एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी ये इन्होंने जीत ली है। और ये आपने कई बार देखा होगा, टेनिस का इवेंट होता है तो ATP लिखा रहता है। ATP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। मेरा आगरा ऐप लॉन्च करने के लिए आगरा स्मार्ट सिटी के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो HDFC बैंक हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आगरा स्मार्ट सिटी टू लॉन्च मेरा आगरा ऐप। तो देखिए टूरिस्ट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए HDFC बैंक ने आगरा स्मार्ट सिटी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत इन्होंने मेरा आगरा ऐप इसको लॉन्च किया है। बाकी आप सभी जानते हैं HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और स्लोगन है इसका या टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सिडनी पोइटियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस उपलब्धि को हासिल करके नस्लीय बाधाओं को तोड़ा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सिडनी पोइटियर हु पास्ड अवे रिसेंटली ब्रोक रेशियल बैरियर्स बाय बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन बेस्ट एक्टर ऑस्कर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो सिडनी पोइटियर हैं, तो ये 1964 में फर्स्ट ब्लैक पर्सन बने जिन्होंने बेस्ट एक्टर ऑस्कर जीता, यानी कि एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन्होंने जीता था। किसके लिए? अपने रोल किसके लिए? लिलीज ऑफ द फील्ड, इसमें अपने रोल के लिए। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है इसलिए ये चर्चा में रहे। आपको जानना चाहिए इनका जन्म जो है ये मियामी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और साल 2009 में इन्हें तब के प्रेसिडेंट बराक ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस क्रिकेटर को अम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। टू प्रमोट विमेन्स एम्पावरमेंट लेजेंड्स लीग क्रिकेट हैज अपॉइंटेड क्रिकेटर झूलन गोस्वामी एज एन अम्बेसडर। तो देखिए कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट है तो इसमें जो अम्बेसडर चुनी गई है ये भारत की जो महिला क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी, इनको अपॉइंट किया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस लीग में मैच रेफरी बनाई गई हैं सैंड्रे फर्टिस और सुब्दा भोसले गायकवाड़, जो कि यंगेस्ट फीमेल एम्पायर हैं इंडिया की, ये भी इसमें ऑफिशिएटिंग एम्पायरिंग आपको करते हुए नजर आएंगे। बाकी ये सब नाम आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3-सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सुधीर कुमार सक्सेना विल चेयर अ 3-मेंबर पैनल टू इंक्वायर इनटू सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू पंजाब। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 3-सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट रही पंजाब में उसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेज रहे तो उसके बारे में इंक्वायरी करेगी कि किसकी वहां पर गलती थी, कहां पर चूक हुई है। आपको बता दें इस कमेटी की अध्यक्षता सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे और इसमें जो अदर 2 मेंबर्स हैं ये हैं बलबीर सिंह और एस सुरेश। लेकिन आपको बता दें हाल ही में बिल्कुल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक तो जो पंजाब सरकार ने कमेटी बनाई है एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है कि आप दोनों अभी अपने कमेटीज़ को रोक के रखें, इसके साथ आगे मत जाएं, हम जो है कमेटी बनाएंगे और वो निष्पक्ष जांच करेगा, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एक तरह से ये वाला क्वेश्चन अभी आपके लिए जो है इररिलेवेंट टाइप हो जाएगा क्योंकि इन दोनों पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस कमेटी के साथ मत जाइए, हम कमेटी बनाएंगे वो जाँच करेगी। खैर ये न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है।
So December 26 will be observed as Veer Bal Divas every year. तो देखिए पहले आप इसके बारे में भी जान लीजिए, यहीं से इसी से देखो पूरा क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा. इंडिया सेट टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस एनुअली ऑन डिसम्बर 26. पीएम मोदी अनाउंस्ड द डिसीजन टू कैमोरेट द मार्टियम डे द मार्टर्डम ऑफ साहिबजादास. तो देखिए आपको जानना चाहिए, जानेंगे यहाँ पर. देखिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. तो इस वीर बाल दिवस के तहत जो साहिबजादास हैं, जो गुरु गोविंद सिंह के जो सन हैं, उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश यहाँ पर की गई है. आपको बता दें, आप सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो सन थे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, तो इनको जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया था, है ना. तो उन्हीं की इस शहादत को, उनके इस बलिदान को याद किया जाएगा 3 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाकर, क्योंकि 26 दिसंबर 1705 को ही इनको जो है इस तरह इन्होंने अपनी बलिदान किया था. आपको जानना चाहिए जो अनाउंसमेंट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो मनाया गया है 9 जनवरी को, इस बार उस दिन इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है. आप सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जो जन्म है ये पटना साहिब बिहार में हुआ था, और 10वें और लास्ट सिख गुरु रहे ये, और 9 साल की उम्र में गुरुगद्दी पर ये विराजमान हो गए थे, जो कि इन्हें अपने फादर गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9th गुरु थे इनसे मिली थी. न्यूयॉर्क के मैंडरिन ओरिएंटल होटल में किस कंपनी ने 73.37% का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा. सो रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स हैज एक्वायर्ड 73.37% इन न्यूयॉर्क मैंडरिन ओरिएंटल होटल. देखिए जाने ये काफ़ी न्यूज़ में, ये वाली न्यूज़ ये भी काफ़ी चर्चा में, ये वाली न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी. देखिए कोलंबस सेंटर जो है ये मैंडरिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क, तो इसका जो है ओनर है. तो 73.37% स्टेक इसके हैं, तो ये कंप्लीट स्टेक जो है रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड्स ने इससे ले लिए हैं, जो कोलंबस सेंटर है इससे कंप्लीट स्टेक इन्होंने खरीद लिए हैं. तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है. और हाल ही में रिलायंस रिटेल ने भी जो दुनजो है, ये इंडिया की लीडिंग क्विक कॉमर्स प्लेयर है, कॉमर्स कंपनी है, तो इसमें भी रिलायंस रिटेल ने 25.8% स्टेक हाल ही में परचेज किए हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, किसने कितने स्टेक किस में लिए हैं, है ना, किसने किसको एक्वायर किया है. तो ये बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी. किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह से मुक्त है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है. सो उड़ीसास गंजम डिस्ट्रिक्ट इज नाउ फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. तो उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट अब चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर हो चुका है. आपको बता दें उड़ीसा का ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिक्लेयर किया गया है. आपको जानना चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्भया कड़ी. तो इसमें जो है जो चाइल्ड मैरिज है उसके उसको लेकर जागरूकता यहाँ पर फैलाई जाती है. साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें आशा जो है ये भी शामिल रहती हैं. आशा की फुल फॉर्म आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछी गई थी पिछले साल, तो याद रखेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़. तो इसमें किसी शायद ए का मतलब पूछा गया था कि ए का मतलब क्या है, है ना, तो ये आप याद रखेंगे ए का या फिर फुल फॉर्म ही पूछी गई थी, क्या पूछा गया था पूरा तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर आशा से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था. तो क्या इसका फुल फॉर्म रहेगा? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. तो ये इसका फुल फॉर्म रहेगी. भारत की पहली ओमिक्रॉन स्ट्रेन की पहचान करने वाली घरेलू परीक्षण किट ओमिश्योर किसने विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है. सो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स डेवलप्ड ओमिश्योर इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन टेस्टिंग किट टू आइडेंटिफाई ओमिक्रॉन स्ट्रेन. जानेंगे इसके बारे में. तो देखिए ओमिश्योर ये क्या है, इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन टेस्टिंग किट है जो भारत में अपने आप निर्मित की है. ये जो भी अलग अलग वेरिएंट है डेल्टा, अल्फा और भी अदर जो वेरिएंट है कोरोना वायरस के,
तो इनको जो है ओमिक्रॉन से डिफ्रेंशिएट कर सकती है, यानी ओमिक्रॉन का पता लगा सकती है। तो भारत में निर्मित है ओमिश्योर, इस टेस्टिंग किट का नाम है। आपको बता दें ये RT-PCR किट है और इसको मुंबई बेस्ड टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड इसने बनाया है। किसके साथ पार्टनरशिप में? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ बनाया है और इसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है। किस कंपनी ने अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी इज माई ट्रिप हैज अपॉइंटेड एक्टर्स विजय राज एंड वरुण शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ये ईज है फ्रेंड्स, है ना, ये मैंने यहां पर वाई गलत लिख दिया है, ईज है, इज माई ट्रिप। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो रोहित कुमार हैज बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान। तो देखिए मीडिया ट्रेंड्स के फाउंडर हैं रोहित कुमार, तो इनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां पर? बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2021 में, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा। कौन सा देश एक मेगा नौसैनिक वार गेम्स एक्सरसाइज मिलन 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो इंडिया विल होस्ट अ मेगा नेवल बैटल गेम्स एक्सरसाइज मिलन 2022। तो देखिए भारत ने जो है यहाँ पर 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट किया है कि आप आइए और विशाखापट्टनम में मिलन 2022 इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कीजिए। और ये जो एक्सरसाइज है इसका थीम रहने वाला है कैमरेडरी कोहिजन एंड कोलेबोरेशन। आपको बता दें साल 1995 में ये मिलन एक्सरसाइज शुरू की गई थी और वैसे ये पोर्ट ब्लेयर में ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन इस बार इसको विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया है। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो किशोर कुमार येदम हैज बीन कन्फर्ड विद वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। ठीक है, तो किशोर कुमार येदम इनको मिला है वर्ल्ड सीईओ ऑफ द ईयर 2021। आपको बता दें ये जो अवार्ड है ये प्लस मीडिया ग्रुप द्वारा दिया गया है और किशोर कुमार येदम ये FSS के CEO हैं। FSS क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज कंपनी है जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार के विजेता कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो जिशान ए लतीफ इज द विनर ऑफ रामनाथ गोयन का अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। देखिए जो रामनाथ गोयन का अवार्ड है फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में ये दिया गया है उस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, उन लोगों की समस्या को प्रदर्शित करने के लिए जिनका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC इसमें जिनके नाम नहीं थे, है ना, तो किस तरह की समस्या उन्होंने फेस की तो उनको दर्शाया गया है इस चीज़ को। तो ये दर्शाया गया था जिशान ए लतीफ़ के द्वारा और उसका टाइटल था द आर्टिस्ट स्ट्रगल फॉर इंक्लूजन इन द NRC। तो ये जो है साल 2019 में द कारवान इसमें पब्लिश किया गया था। दो साल से अधिक समय के बाद भारत अमेरिकी कृषि विभाग और भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग के बीच हस्ताक्षरित एक नए ढांचे के समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को किस फल का निर्यात शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। आफ्टर मोर देन टू ईयर्स इंडिया इज सेट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर अ न्यू फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इंडिया और जो आपका US के जो ये एग्रीकल्चर संबंधी डिपार्टमेंट है तो इनके बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जहाँ पर अब लगभग 2 साल के बाद इंडिया फिर से यूनाइटेड स्टेट्स को मैंगोज एक्सपोर्ट करेगा। किस राज्य ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु मौजूदा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो आंध्र प्रदेश रेस्ट
its employees' retirement age from the existing 60 years to 62 years. तो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी है, तो इन्होंने कहा है कि जो रिटायरमेंट एज रहेगी वो अब 62 साल रहेगी, पहले 60 साल फिक्स थी। बाकी आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश किन कारणों से सुर्खियों में रहा है ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पढ़ा था, चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नास्कॉम, इसने विशाखापट्टनम में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये लॉन्च किया है। साथ ही इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट ये एनटीपीसी जो है आंध्र प्रदेश में सेटअप करेगी। और जो आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स है इसमें आंध्र प्रदेश पहली पोजीशन पर रहा है, तेलंगाना दूसरी पोजीशन पर रहा है और आसाम तीसरी पोजीशन पर रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश में 50 लाख स्टूडेंट्स की जो लर्निंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने भी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी देखा था। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फैमिली डे, वन डे इन पीस। हु इज द इनक्यूमेंट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, आंसर इज डॉक्टर वी जी सोमानी। 111 मेगावाट सवारा कुद्दू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन विच स्टेट, आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अनिल चंद्र पुनेथा स्वर्न इन एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन विच स्टेट, आंसर इज उत्तराखंड। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर शिविर अंडर प्रोजेक्ट 22220 टू बूस्ट इंडियाज आर्कटिक प्लांट्स वाया नॉर्दर्न सी रूट, आंसर इज रशिया। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के हम इंग्लिश के शब्द जान लेते हैं अपने। देखिए ऑस्ट्रेलियन जज रिंस्टेट्स टेनिस स्टार जोकोविच, तो हमारा जो शब्द है ये है रीइंस्टेट। देखिए रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है, जनरली मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति है मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया है कि आपने जो है काम चोरी की है या फिर आप जो है किसी तरह के करप्शन में लिप्त पाए गए, वो चला गया कोर्ट के दरवाजे, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की और कोर्ट ने पाया कि उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको जो है फिर से इसकी पोजीशन पर बिठाइए, आपने इसको गलत तरीके से हटाया, ऐसे इसकी कोई गलती नहीं थी। तो जो कोर्ट ने क्या किया उसको रीइंस्टेट किया है, यानी कि जिस पोजीशन वो पहले था दोबारा उस पोजीशन पर उसको बिठा दिया है, ठीक है, वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन फिर से उसको बिठाया, तो इसको बोलते हैं रीइंस्टेट, यानी कि एक जगह जो आपसे छीन ली गई है फिर से आपको वही जगह दे देना। तो यहाँ पर बात हो रही है वीज़ा की, तो देखिए वीज़ा भी एक तरह का आपका जो है एक तरह का आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कैंसिल भी हो जाता है ना। तो जोकोविच के वीज़ा की जो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ जो चल रहा था इनका, इन्होंने वैक्सीन लगाई है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया था वीज़ा इनका ये कह दिया था कि आपका वैलिड नहीं है क्योंकि आप जो है वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया के जज ने इनके वीज़ा को रीइंस्टेट किया है, यानी कि उसको फिर से अप्रूव कर दिया है कि वो बिल्कुल सही है वैलिड है, इसको बोलते हैं रीइंस्टेट। ज़्यादातर ये सब तभी उपयोग होता है जब आप किसी व्यक्ति को हटा दिया है उसी पोजीशन की और फिर से उसको उसी पोजीशन पर नियुक्त कर देते हैं, उसको बोलते हैं रीइंस्टेट। आर ई जुड़ गया ना मतलब पुनः, यहां से भी आप देख सकते हैं टू गिव बैक अ जॉब और पोजीशन दैट वॉज टेकन फ्रॉम समबडी, किसी को उसके पूर्व पद या नौकरी पर वापस लेना। ही वॉज क्लियर्ड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट एंड रीइंस्टेटेड एज हेड ऑफ सिक्योरिटी, तो जो भी उस पर चोरी का जो चार्ज लगा हुआ था उससे वो जो है बिल्कुल क्लियर हो गया था, है ना, और उसको दोबारा से हेड ऑफ सिक्योरिटी बना दिया गया, रीइंस्टेट किया गया, या फिर किसी को उसका पूर्व पद या दायित्व लौटाना। अगला शब्द है हमारे पास कोविड सर्ज, सेंटर वॉर्न्स स्टेट्स अगेंस्ट लैक्सिटी, तो हमारा शब्द है लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब होता है ढिलाई, सख्ती ना दिखाना, उसको बोलते हैं लैक्सिटी। और सर्ज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, है ना, ग्राफ ऊपर जाना, उसको बोलते हैं सर्ज। सर्ज आप किस में कह सकते हैं, पेट्रोल प्राइस में भी कह सकते हैं, पेट्रोल प्राइस सर्ज, है ना, किसी भी चीज़ में आप कह सकते हैं सर्ज, बेरोजगारी में भी कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर्ज, ठीक है। तो दो शब्द आपके ये हो गए, एक आपका ये हो गया, तीन हो गए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। लसुंग फेस्टिवल इज एनुअली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। आयशा मलिक इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू अर्न
व्हाट डिस्टिंक्शन? तो देखिए, आयशा मलिक ये पहली पाकिस्तानी वूमेन बन गई हैं, क्या अचीव करने वाली, किस पद पर इनको नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वूमेन टू ट्रैक सोलो टू साउथ पोल? रितेश अग्रवाल इज द ग्रुप CEO एंड फाउंडर ऑफ विच हॉस्पिटैलिटी चेन इन इंडिया? इन विच प्लेस डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड? तो अगर हम लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बात करें विश्व में, तो भारत कौन सी पोजीशन पर, ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।